तो अभी तुम लोग ऊपर की साइड मेरे यूसी देख सकते हो, मेरे पास टोटली 748 यूसी है। पहले बता दूं ये यूसी मैंने एक रुपया खर्च करके भी नहीं लिए, सारे यूसी मेरे को फ्री मिले। तुम लोग भी फ्री में ले सकते हो, कैसे लेने हैं वो तो तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ही, पर उसके साथ साथ सबसे पहले अपना रॉयल पास अनलॉक कर लेते हैं, आई मीन एलाइट प्लस पास। तो उसको फटाफट से करते हैं अनलॉक। यहाँ पे भाई तुम्हारे सबके सामने तुम्हारे भाई ने ले लिया एलाइट पास, वो भी बीजीएमआई में। देखो मैं फर्स्ट कोई बीजीएमआई में ले रहा हूँ रॉयल पास, आज तक मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिया। तो भाई फाइनली हमारा जो फ्री पास था वो कन्वर्ट हो गया एलाइट पास हो गया, और हमारी आरपी भी 3 मतलब रैंक जो है हमारी वो 3 हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को मिलने वाला है एक बंडल, जो कि बहुत ही मस्त बंडल है, रेड बंडल, जो भाई मेरे को चाहिए था। सच बताऊं मेरे को यही बंडल चाहिए था, इस बंडल के लिए मैंने पूरा रॉयल पास बाय कर लिया। तो फाइनली भैया मिल चुका मेरे को ये वाला बंडल, जो कि मुझे एक नंबर लगा था। उसके साथ साथ एक मेरे को मिली है P92 की स्किन, जो कि एक नंबर है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लेम कर लिया, फटाफट से ड्रेस पहन के तुम लोग दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पे हम लोगों ने पहन ली अपनी न्यू ड्रेस, जो कि एक नंबर लग रही है रेड कलर में। अब फटाफट से इसके साथ ही गेम प्ले हो जाए, और गेम प्ले बहुत ऑसम होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, भी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा ट्रिक जिससे तुम लोग भी ले सकते हो फ्री में इतने यूसी, एंड भैया बाय कर सकते हो अपना एलाइट पास पबजी में, मतलब कि बीजीएमआई में। मैं भाई पबजी बोलता रहता हूँ। तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लग चुका है हमारा पहला मैच, जो कि हमारी रेड ड्रेस के साथ होने वाला है, और अपना प्लेन आ चुका है अपने उसी अंदाज में। देखो तुम लोग कुछ भी बोलो, पर ये जो प्लेन आने की साउंड है ना, ये साउंड सुन के भैया बहुत ही ज्यादा मन को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर हम लोग फार्म पे आए थे, और आते भैया मेरे को नीचे से बंदे की साउंड आई। तो तुम्हारा भाई जैसे आया बंदा बहुत मजे में चुपचाप खड़ा था, पर ये बोट था तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं बेचारे को, बोट को मार दिया मैंने। देखो अभी तक मेरे सिर्फ 2 किल हुए थे, पर मेरे को बंदे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिले। तो तुम्हारा भाई बंदे ढूंढता ढूंढता आ गया मिल्टा पे। अब यहाँ पे मिल्टा पे मेरे को मिल गई मेरी फेवरेट ब्रह्मास्त्र गन, जिसका नाम है M416, और M416 हाथ में आती तो भैया मैं बन गया खतरनाक प्राणी। गनवन लेने के बाद में मैं थोड़ी सी आगे आया, तो आगे आती देखता क्यों भाई छत के ऊपर एक बंदा और एक बंदा नीचे की साइड है। तो इस बंदे को तुम्हारा भाई फटाफट से ले लेता है, और यह बंदा बड़ा ही बोट बंदा था, एकदम से निमट गया। पर इसको मैंने जैसे तैसे करके ले लिया, इसका मेरे को इतना बड़ा इशू नहीं था, और यहाँ पे ये बंदा फिनिश भी तुम्हारा भाई कर लेगा। पर इस बंदे को मारते भैया मेरे को सामने से एक बंदा आता दिखा, एक ने मेरे को पीछे से डैमेज दिया, तो मैं थोड़ा कोने में आ गया। अब कोने में से बाहर निकलने वाले में एक बंदा सामने साइड था, इसको तुम्हारे भाई ने ले लेता है बहुत मजे में, और यहाँ पे फुल फिनिश भी इसको कर दिया। अब भैया यहाँ पे एक बंदा मेरे को आगे की साइड आता हुआ दिखा था, तो मेरे को उसका थोड़ा खतरा था, क्योंकि मेरे को पता ही था भाई वो बंदा कहाँ। उस बंदे की लूट वगैरह करने के बाद में इधर साइड में आ गया, और सोचा किसी तरह ऊपर चले जाऊं। तो भैया ऊपर जैसे ही मैं जाने की ट्राई कर रहा था, तो नीचे से एक बंदा आता हुआ दिखा, इसको तुम्हारे भाई ने पूरा ले लिया। पर बंदा इतना खतरनाक भागा ना भैया, एक गोली इस बंदे को टच नहीं हुई और सीधा जाके अंदर घुस गया। पर हम कौन सा पकड़ने वाले थे भैया, जाते जाते भी इसके पिछवाड़े पे एक गोली मारी, बट फिर भी भैया अंदर जाके छुप गए, जैसे हम तो इनको कुछ कहेंगे ही नहीं। पर हम भी खतरनाक प्राणी भैया, सीधा का सीधा अंदर घुस के इसका यहीं पे काम तमाम, और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा लो कर दी थी, पर फिर भी तुम्हारे भाई ने इसको पूरा ले लिया। अब यहाँ पे टोटली तुम्हारे भाई के हो चुके थे 5 किल, और तुम्हारा भाई सोच रहा था किसी तरह भैया चिकन डिनर निकालू, लेकिन बंदे मेरे इतने बोट थे इनको कुछ नहीं आता। यहाँ से बंदे निपटाने के बाद मेरे को आगे की साइड एक बंदा दिखा, बहुत आगे आ गया था तुम्हारा भाई बंदा ढूंढता ढूंढता, तो एक बंदा मेरे को फाइनली खिड़की से दिखा, बट उस बंदे ने नीचे जंप मार दी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वहीं जाके मारा जाए। तो अब तुम्हारा भाई डायरेक्टली आगे आ गया, तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को आता हुआ दिखा, इसको तुम्हारे भाई ने पूरा फिनिश कर लिया। और जैसे मैं इसको फिनिश करा, दूसरे बंदे ने मेरे ऊपर गोली चलाई, बट भैया मैंने उसको फायर दिया, वो बंदा बच गया किसी तरह, बच के ऊपर चला गया। इतने में मेरे को पीछे से डैमेज आया, मैंने उसको भी नॉक किया। अब इससे पहले मैं यहाँ पे पिलता, मैं थोड़ा कवर में सेफ हो गया। अब यहाँ पे वो बंदा घर की छत पे चला गया था, तो तुम्हारा भाई भी घर की छत पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर एम करा, वैसे ही मैं नॉक, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा नंबर एक वाला बंदा मेरे साथ में था। इस बंदे ने मेरे को फटाफट से यहाँ पे दिया। देखो बंदा ऊपर से बहुत गंदा मार रहा था, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे को आगे जाना ही था इस बंदे को मारने के लिए। तो मैंने फटाफट से बीच में रोड पे किया स्मोक, और किसी तरह उस तक पहुंचने का अपना इंतजाम किया। अब ये बंदा अपना आपको कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहा था, तो हमने सोचा हम भी इसको अपनी थोड़ी प्रोपंथी दिखाएं, लेकिन इस बंदे के सामने हमारी एक भी प्रोपंथी नहीं चली। मैं जैसे ऊपर आया, बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया, वो दुखा हुआ मेरे नंबर एक बंदा इतना भैया प्रो लौंडा था, इसने उसको फाइनली पेल दिया और मेरे को जल्दी से रिवाइव किया। कसम से यार मेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इतना बुरा गेम प्ले करते हुए मैं 2 बार एक ही बंदे से नॉक हुआ हूं। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग कोई भी बंदा नहीं मिला, बट यहाँ पे एंडिंग जोन बन चुका था, और एंडिंग जोन में मेरी सबसे ज्यादा बड़ी अकलमंदी कह लो, बेवकूफी कह लो, जो तुम लोग कहना है कह लो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बंदों पे रश करने के लिए आ गया, पर मुझे ये नहीं पता था मेरे सामने इतने प्रो लौंडे होंगे। अब हम रहे बीजीएमआई फर्स्ट टाइम खेलने वाले, और ये बंदे बहुत टाइम से खेल रहे हैं। तो अब देखो मैं तो बीजीएमआई फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मैंने इससे पहले बीजीएमआई 1 या 2 बार ही खेला था, वो भी बोर्ड की तरफ। यहाँ पे जैसे ही खिड़की में आया, वैसे ही तुम्हारे भाई को ले लिया गया, और तुम्हारे भाई का खेल यहीं पे खत्म। अब देखो इस ड्रेस के साथ में तुम्हारे भाई ने गेम प्ले तो तुम लोगों को दिखाई दिया, कितना ज्यादा खतरनाक या टट्टी गेम प्ले किया है, वो तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं तुम लोग कैसे
फ्री में यूसी ले सकते हो और मैंने कैसे लिया? देखो मैंने यूसी लिए है सीधा सीधा एम रिवॉर्ड ऐप से, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। एम रिवॉर्ड ऐप तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा विड्रॉल, मैंने यहाँ से कितना पैसा विड्रॉ कर रखा है, और इसी में रिडीम कोड तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। देन मैंने इसी से रिडीम कोड बनाया था 500 रुपीज का, एंड मैंने पूरा का पूरा रॉयल पास बाय कर लिया। अब होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा गेम प्ले मेरा, और तुम्हारे भाई ने रॉयल पास भी अनलॉक कर लिया, तो इसी बात पे एक लाइक मार देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।